दिस इज मी दृष्टि, स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर। एक्सीडेंट के बाद मैंने सिर्फ अपना हाथ नहीं खोया था बल्कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो दिया था। मेरा करियर, मेरे सपने, सब कुछ टूट गए थे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जो कुछ भी करती थी उसमें मुझे मेरा हाथ याद आता था। खुद को पूरी तरह से कमजोर और डिपेंडेंट मानने लगी थी। यही डिपेंडेंसी मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन दिशा ने समझाया कि एक्सटर्नल फिजिकल डिपेंडेंसी से भी ज्यादा इंटरनल डिपेंडेंसी हमें ज्यादा तकलीफ देती है। तब मेरी रियल वीकनेस मेरे सामने आई, जो सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सबकी थी। हाँ, हम सबकी वीकनेस। आइए सुनते हैं दिशा से। क्या मतलब? मतलब कि सोचो गाइस, हम पर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस का कितना असर होता है। लाइफ की छोटी सी छोटी चीजें भी हमें कितनी इजीली डिस्टर्ब कर देती हैं। अगर किसी ने हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ कर दिया या फिर हमसे बिना कुछ पूछे हमारी कोई चीज ले ली तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है। किसी ने हम पर इरेशनल कमेंट पास कर दिया तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसी तो कई सारी चीजें जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। हाँ, स्पेशली एग्जाम्स। एग्जाम्स आते ही डर लगता है और रिजल्ट आने पर तो टेंशन आता है। और उससे भी ज्यादा जब कोई हमारा फोन नहीं उठाए या फिर हमें मिस कॉल दे। गलत। तुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाती है। अरे हाँ यार, और स्पेशली जब फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स हो और ट्रेन लेट हो, तब तो लगता है जैसे पूरी रेलवे मिनिस्ट्री को ही बदल दूं, सबको जेल में डाल दूं। और कभी कभी अगर स्वीटी ने न्यू ड्रेस पहनी हो और उसकी कोई तारीफ ही ना करे तो उसे चैन भी नहीं आती है, है ना? किसी ने अच्छे से कमेंट किए तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और अगर किसी ने कुछ कह दिया वी इंस्टेंटली लूज आवर कॉन्फिडेंस। सोचो गाइस, हमें फ्रस्ट्रेट करना, हर्ट करना, डराना, गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना कितना आसान है। तो ये हमारी वीकनेस नहीं है तो और क्या है? दूसरों के सर्टिफिकेट पर जीना ये डिपेंडेंसी नहीं है? ऑल द शो आर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर लाइफ की छोटी छोटी चीजें हमें इफेक्ट करती हैं, तो फिर लाइफ के बड़े क्राइसिस को फेस करना क्या आसान होगा? ये तो हमेशा से पता था कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस का हम पर असर होता है, लेकिन ये हमारी वीकनेस है, इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं था। कोई हमें सर्टिफिकेट दे तो ही हम डेवलप हो सकते हैं, ये किसने कहा? हम में एबिलिटी है, पोटेंशियल है, ये किसी के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करता। ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है, हमारे विल पावर पर डिपेंड करता है। बट वी आर सो स्टूपिड कि हम दूसरों के ओपिनियन का असर लेकर खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस गवा देते हैं। यस दिशा, ये हमारी वीकनेस है, यू आर राइट। लेकिन हाँ, हम इतने वीक नहीं है कि अपनी वीकनेस को दूर ना कर सके। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारा मन इतना तो डेवलप्ड है कि अगर हम चाहें तो अपनी वीकनेस को तो दूर कर सकते हैं। हाँ हाँ, इवन साइंस सेज दैट वी हैव द मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन। एंड विद दिस डेवलप्ड ब्रेन, इफ वी वांट, वी कैन नॉट जस्ट ओवरकम और कंट्रोल आवर नेचर बट ऑल्सो कैन चेंज इट अनलाइक अदर्स। और ऐसे ही हम अपनी इनर पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, जैसे अनामिका ने किया। महात्मा की बातों से उसकी वे ऑफ थिंकिंग पूरी तरह चेंज हो गई। क्या वो दूसरों के क्रिटिसिज्म को अनसुना करती थी? नहीं, उसने दूसरों के क्रिटिसिज्म को अनसुना तो नहीं किया, लेकिन उन्हें एक नए नजरिए से देखने लगी। उसने यूनिवर्सल ट्रुथ को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट भी किया। उसने दूसरों की सही बातों को अपनाया और उनके ताने सुनकर वो समझती कि उसके पास्ट एक्शन का रिएक्शन है, जिससे उसके अंदर की नेगेटिविटी पूरी तरह दूर होने लगी। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग से अनामिका इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब दूसरों के ताने, क्रिटिसिज्म या उनके बर्ताव से उसके मन को अस्वस्थ नहीं कर सकता था। महात्मा ने उसे यूनिवर्सल ट्रुथ बताया, यूनिवर्सल लॉ समझाया, बट ये बातें इनर पर्सनालिटी से कैसे रिलेटेड है? दृष्टि, दीज यूनिवर्सल ट्रुथ हेल्प अस टू डेवलप आवर इनर पर्सनालिटी। महात्मा की बातों से अनामिका का विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो जब घर से निकली थी तब भूखी, प्यासी, दुखी, निराश होकर रोते हुए निकली थी, लेकिन अब
घर लौट रही है तब भूख और प्यास अभी भी है, ऊपर कड़ी धूप भी है और सिर पर लकड़ियों का भार होते हुए भी उसका मन प्रसन्न है, शांत है, क्योंकि आज उसके पास ये सारे दुखों को देखने का एक सही नजरिया है। She got a vision beyond her life. उसे एक नई दृष्टि मिली थी, एक नई दिशा के साथ, है ना? हाँ, अब उसे पता चल गया था कि ये सारे दुखों की वजह बाहर नहीं उसके अंदर है और उसके सुखों की चाबी भी उसके भीतर ही है। उसने खुद की पर्सनालिटी को ऐसा तैयार किया कि अब चाहे माँ धमकी दे, परिवार नकार दे, कोई मान सम्मान ना मिले तो भी उसे अब इतना दुख नहीं होता। उस दिन के बाद खुद के दुख को याद करके वो कभी नहीं रोई। माँ ने एक रोटी दी और बहनों ने उसमें से आधी छीन ली, फिर भी बची हुई आधी रोटी को देने के लिए भी वो तैयार थी, क्योंकि अब उसे रोटी से ज्यादा अपनी इनर पर्सनालिटी को डेवलप करने में ज्यादा खुशी मिल रही थी। उसने कभी अपने हालातों को बदलने की कोशिश नहीं की, फिर भी धीरे धीरे उसके बिहेवियर से परिवार के और समाज के लोगों को असर होने लगा, उनके भी बिहेवियर में चेंज आने लगा। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से सारे हालातों को बिना लड़े हरा दिया। वाओ, अनामिका, जो कुछ तुमने किया दैट इज रियल ग्रूमिंग। आज तक सिर्फ एक्सटर्नल ग्रूमिंग के बारे में ही सोचा था। जिसके पास लुक्स, एटिकेट्स, फैशन सेंस, एटीट्यूड है, उसी की वैल्यू की। बट दिशा, यू इंट्रोड्यूस्ड अस टू द रियल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, जो बाहरी नहीं बल्कि विच इज इनसाइड एवरी इंडिविजुअल, और उसी का डेवलपमेंट इज रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दिशा, लगता है अब दृष्टि को तो सही दिशा मिलेगी ही, लेकिन मुझे भी तुमने एक नई विजन दी खुद को और लोगों को देखने के लिए। थैंक यू दिशा, थैंक यू सो मच। और आप लोग सुनते रहिए।